नमस्कार, मैं हूं लविशा कल्याण और आप देख रहे हैं जेबीसी अपडेट। हिमाचल के समाचार में आपका स्वागत है। निर्माणधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए 3000 लोगों ने किया अप्लाई और 200 का इंटरव्यू हुआ फाइनल। वर्ल्ड कप हारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से की बात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकियारिया सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद पिछले एक हफ्ते से उसमें फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीरें सामने आई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें टनल में फंसे मजदूर सेफ्टी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को पहली बार गर्म खाना भेजा गया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला में आज सुबह दो छात्र संगठनों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इस दौरान SFI और NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जिला कन्नौर के उपमंडल कल्पा के पांगी पंचायत पहुंची। किन्नौर जिला के कल्पा खंड के पोवारी और शुद्धा रंग पंचायत पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। यहां संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को केंद्र को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भारत सरकार द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पांगी क्षेत्र के सेचू देव ब्लॉक पहुंची, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न विभागों में आए हुए अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हिमाचल की अन्य खबरें देखने के लिए लगातार जुड़े रहे जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।